हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एसओएल डिफेंस। देखिए, जो भी डीयू के रेगुलर के स्टूडेंट्स हैं, उन सब भी बच्चों के पास डीयू की तरफ से एक मेल आया है कि उसने बच्चों से पूछा कि राय ली है कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर के बाद आपकी क्लासेस ऑनलाइन चाहिए या ऑफलाइन चाहिए, आपको फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर ऑनलाइन मोड में चाहिए या ऑफलाइन मोड में चाहिए। आज इसी नोटिस के बारे में बात करेंगे और सोल वाले बच्चे कैसे भर सकते हैं इस फॉर्म को, ये सब बात बताएंगे आज आपको। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि डी और सोल से रिलेटेड अपडेट्स हम आपको देते हैं और देते रहेंगे। देखिए, ये नोटिस है, मैं आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये नोटिस भेजा है डी ने सभी रेगुलर वाले स्टूडेंट्स को। इसमें उसने पूछा है ओपिनियन फॉर्म फॉर ऑफलाइन क्लासेस फॉर फर्स्ट सेमेस्टर अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, ये सभी को भेज दिया। इसमें ये लिखा है, मैं पूरा डिटेल्स में तो आपको बताऊंगा, इसमें ऊपर से बता देता हूँ। देखिए, इसमें हाइलाइटेड पॉइंट क्या है, फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन डेट शॉल बी कंडक्ट इन ऑनलाइन ओबी मोड ओनली फ्रॉम 21 मार्च। ये तो पक्का हो चुका है आपके, 21 मार्च से पेपर होने वाले हैं 2022 में अंडर ग्रेजुएट एंड 30 मार्च 2022 फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए। देखिए, इसमें क्या बात है, जो रेगुलर के स्टूडेंट्स हैं ना, वो होते हैं सोल वालों से काफ़ी कम होते हैं, और रेगुलर की जब वो कह रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस ऑनलाइन पेपर ही होंगे ओबी में, तो आपके सोल वालों को तो कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके एग्ज़ाम तो ऑटोमेटिकली आपके ऑनलाइन मोड में ही होने हैं, ओपन वो एग्ज़ाम, पर वो सिर्फ सेमेस्टर वन के लिए। देखिए, इन्होंने दूसरे पॉइंट में ये भी कहा है, एज़ पर द एकेडमिक कैलेंडर इशूड बाय द यूनिवर्सिटी ऑन 9/11/2021 फॉर फर्स्ट सेमेस्टर, मतलब जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर होने थे वो 11वें महीने यानी आपके नवंबर में होने थे 9 तारीख को, जो अब कंडक्ट हो रहे हैं मार्च में, क्योंकि इस टाइम ही होते हैं आपके कंडक्ट, 11 को होते हैं और 1 होते हैं मार्च में, पर अब वो स्थगित कर दिया, वो मार्च में हो चुके हैं। और योर सेकंड सेमेस्टर क्लासेस आर लाइकली टू बी हेल्ड इन ऑफलाइन मोड ऑनली, अब उन्होंने पक्का कह दिया है, अब आपको फर्स्ट सेमेस्टर कैसे भी करके, अगर आपको अभी मैं फॉर्म का बताऊंगा, आप वो भरेंगे तो आपके ऑनलाइन ही होंगे पक्के। बाकी इन्होंने सेकेंड सेमेस्टर का तो कन्फर्म कर दिया पूरा फुल, कि आपके सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम और क्लासेस ऑफलाइन ही चलेंगी, ये गारंटी है। हेल्ड इन ऑफलाइन मोड ऑनली बिगनिंग ऑन 7 अप्रैल 2022 फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड 16 अप्रैल 2022 फॉर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज, मतलब 7 अप्रैल 2022 से आपका सेकेंड सेम स्टार्ट कर दिया जाएगा, तो आप फुल प्रिपेयर रहेगा। अब आपको कॉलेजेस रीओपन होने वाले हैं, ये सब आपके लिए खुशखबरी है। और बात रही अब सेमेस्टर वन के बच्चों की, कि वो रेगुलर के स्टूडेंट्स अपना मोड ऑनलाइन कैसे करवाए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे। देखिए, मैं अभी डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, आपको वहाँ जाके एक फॉर्म भरना है, मैं आपको एक फॉर्म दिखा देता हूँ। देखिए, इस टाइप का ये फॉर्म होगा, आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा, जितने ज़्यादा बच्चे भरेंगे उतने ही चांस सोल के भी ऑनलाइन मोड होने के होंगे, और उतने ही ज़्यादा से ज़्यादा चांस रेगुलर के भी होंगे। अगर रेगुलर के ऑनलाइन हो गए तो सोल वालों की दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, उनके भी ऑनलाइन ओपन वो एग्ज़ाम ही होंगे। वैसे सोल वालों को तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें इतने ज़्यादा बच्चे हैं, रेगुलर वाले से तो काफ़ी ज़्यादा बच्चे हैं, तो उनके ओपन वो एग्ज़ाम ऑनलाइन भी होने, क्योंकि इतना जल्दी पॉसिबल नहीं है ऑफलाइन कराना। बाकी सेकेंड सेम में तो आपका पक्का हो जाएगा। देखिए, इस टाइप का फॉर्म होगा, सबसे पहले आपको यहाँ नेम लिखना है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, फिर यहाँ आपको ईमेल लिखनी है, और यहाँ आपको फ़ोन नंबर लिखना है। ज़रूरी नहीं है कि आप फ़ोन नंबर अपना सही लिखे, ईमेल लिख दीजिएगा। फिर यहाँ एंगेजमेंट विद यूनिवर्सिटी, आपने डालना है अंडर ग्रेजुएट यूजी स्टूडेंट डालना है, ना कि पीजी, क्योंकि आप सब सेम वन के स्टूडेंट हैं। यहाँ आपका कॉलेज डाल देना, आपका किस कॉलेज में रेगुलर वालों का नंबर है और डिपार्टमेंट, और सोल वाले क्या डालेंगे, यहाँ पर कॉलेज में दबाएंगे तो यहाँ ऑप्शन आएगा स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, वहाँ आपको डालना है। ये सारे सोल वाले भी भर सकते हैं, क्योंकि सोल वाले जितने ज़्यादा से ज़्यादा भरेंगे उतने रेगुलर वालों का भी फायदा है। देखिए, और प्लेस ऑफ रेजिडेंस, आप दिल्ली में NCR में या ईस्ट जोन में वेस्ट जोन में, वो डाल दीजिएगा। और ये सबसे मेन बात, यहाँ आई विश टू हैव माय फर्स्ट सेमेस्टर क्लासेस फॉर द रिमेनिंग नंबर ऑफ डेज इन ऑफलाइन मोड या ऑनलाइन मोड। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सोल वाले बच्चे ऑनलाइन मोड करिए और रेगुलर वाले भी ऑनलाइन करिए, फिर जितने ज़्यादा वो फीडबैक जाएगा DU के पास, तो वो उसी हिसाब से आपको करेगी। वैसे जहाँ तक है DU ऑनलाइन ही करेगी, ये बस आपको ही फॉर्मेलिटी करने के लिए, ताकि बच्चों की सहमति ले ली जाए। और यहाँ फिर आपको हाई हैव रीड द बैकग्राउंड नोट एंड अंडरस्टैंड द न्यूएंस ऑफ सेम वाइल एक्सरसाइजिंग माय ओपिनियन, यहाँ आपको टिक कर देना और फॉर्म सबमिट कर देना। ये जरूर रखना है यहाँ पर ऑनलाइन मोड करना है, अगर कोई बच्चे हैं ऑफलाइन वाले वो भी कर सकते हैं, पर भारी मात्रा में जहाँ तक मुझे लगता है ऑनलाइन मोड ही यूज़ करा जाएगा। और बाकी आपको पता है OBE होने वाले हैं, ओपन एग्ज़ाम, ओपन एग्ज़ाम के मैं अभी 2-3 दिन में आपकी एक वीडियो बना दूंगा स्पेसिफिक, कि कैसे स्टार्ट करना होता है OBE में, कितने पेज बनने होते हैं, कैसे शीट लेनी पड़ती है, कौन से ऐप यूज़ करने होते हैं PDF के लिए, फाइल कैसे रिड्यूस करते हैं, वो सब मैं बता दूंगा। बाकी आपको जितना ज़्यादा से हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि ये फॉर्म फिल करना ज़रूरी है, ताकि फीडबैक जाए DU के पास और वो आपका डिसीजन ले जल्द से जल्द, वरना वो आपको अटकाए रख रहा है नोटिस के लिए,
कि कभी भी वो अपना डिसीजन चेंज कर सकता है। ये लास्ट मौका दिया ड्यू ने आपको, आप चाहे तो ड्यू को इस साइड भी कर सकते हैं और चाहे तो ऑफलाइन की साइड कर सकते हैं, चाहे तो ऑनलाइन की साइड कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करें अपनी ये वीडियो, और उनको फॉर्म का मैं लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप भर दीजिए जल्द से जल्द। बाकी अगर आप चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, क्योंकि अगली अपडेट्स आपको जल्द से जल्द मिले। बाकी आपको बता दिया मैंने, स्टडी मेटल जो बच्चे लाएँ वो बढ़िया हैं, और जो नहीं ला पाएँ वो अब प्लीज़ मत जाइए लाने, क्योंकि भीड़ काफ़ी हो रही है। और जो भी सॉफ्ट कॉपी है आप वहीं से पढ़ लीजिए प्लीज़, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप अब सॉफ्ट कॉपी से पढ़िए अब, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं रहा है, क्योंकि ड्यू अपना डिसीजन कभी भी चेंज कर सकती है। बस आपको यही टाइम टू टाइम अपडेट देना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।